हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो क्या चल रहा है एग्जाम्स के पीछे? इस आई नो दैट यू हैव द एग्जाम टुमारो। तो दो चीजें क्लियर करनी है, कल के पेपर के लिए सब होगा, कल का पेपर का पैटर्न और दूसरा क्वेश्चंस कौन से हमें ऑन पिक होने चाहिए। तो आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, गाइस दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। यस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। डू फॉलो द वीडियो टिल लास्ट सेकंड। If I'm not able to cover the entire course, yes, I have the entire course on back of me, तो यार ये सारा नहीं होता, तो ठीक है कोई पांच या छह कर लेते हैं, कोई पांच या छह कर लेते हैं, उनको on tick कर लेंगे। And the one thing, sir, एक question आता है annotation का, the first question that's annotation and the last question that's short notes, वो confirm है sir करने का ना, तो उसके लिए कुछ clue बता देना sir ताकि हम कर ही लें। तो मैं बताया आपको उसको follow करना है, किसी ना कोई problem नहीं होने वाली। तो पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सर क्या रहेगा? तो काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही है सर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो पहला क्वेश्चन तो कंफर्म है, दैट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनोटेशन। अब कई बच्चे बेचारे यहाँ पे डिस्टर्ब है सर, ये एनोटेशन क्या होती है? कुछ अलग नहीं है, ये पोएट्री की आर्टिसीज, पोएट्री में जो आपने आर्टिसीज पढ़ी थी ना, उसी को एनोटेशन बोलते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सीरियसली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएट्री और प्लेस में हम बोले उसे एनोटेशन, उसको बोलते हैं एनोटेशन। एक कोई भी एनोटेशन आपको आ जाएगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सर आपके एनोटेशन कहाँ से पता लगे, हमें कहाँ से आएगी? ऑनेस्टली कितनी एनोटेशन होंगी और हमें कितनी करनी होगी? भैया यहाँ बता देता हूँ आपको, यू गाइस नीड टू डू 4 out of 6। यस, 4 out of 6 आपके पास 6 नहीं होंगे जिनमें से कोई 4 आपको करनी करनी। इट बी 5 marks for each। यस, 5 marks for each। हर एनोटेशन के लिए 5 नंबर होंगे जो आपको करने ही करने। तो यस, व्हाट यू गाइस नीड टू क्लियर, यू नीड टू रिमेंबर वन स्ट्रेटजी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा प्ले है, कौन सा प्ले है और उसका राइटर कौन, प्ले और प्ले का राइटर। ऑनेस्टली दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है सर। अब डॉक्टर बोल से क्रिस्टम मॉलो सर अमित समन राइटर में, तो मैं विलियम शेक्सपियर। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, समर नाइट सर ये सीरियल, तो यार ये हमें याद होना चाहिए। बैकेंड की बात तो वेटिंग फॉर ऑर्डर, तो कई चीजें जो हमें ऑन टिप पहुंची कि राइटर कौन है। तो रेफरेंस में अवर एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट दैट पेज ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर राइटर। और सर आपने बोला ड्रामेटिस्ट के बारे में बताएंगे, वी गाइस नीड टू क्लियर दिस। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न का, पहला क्वेश्चन होगा आपका एनोटेशन, ये कंफर्म है। यस, दिस इज कंफर्म 100% श्योर। अब दो चीजें बनती हैं सर, मैं तो पूरा पढ़ा ही नहीं, हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई। तो भाई क्या है, गिनती के 6 बोले मैंने, 6 में से पहले 3 आर पी, पहले 3 घोट के भी जाना, 6 में से पहले 3 घोट के भी जाना, डॉक्टर फोर्स सबमिट सम नाइट ड्रीम और हैमले। 6 में से 2 तो 100% इनमें से होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 2 तो 100% इनमें से होंगे, 3 भी हो सकते हैं। अब सर कैसे पढ़ूं, मेरे पास तो टाइम नहीं, तो मैंने बोला ही नहीं यार पढ़ यार, मैंने सिर्फ ये बोला कि चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो आराम से, थोरली वीडियो देखो, पिच को जाके स्लो कर देना, आराम से पूरी समरी पढ़ो, समरी को सुनो, सुनने के बाद उसके कैरेक्टर्स को लिखो, कैरेक्टर चार्ट बना लो। आई रिपीट माय वर्ड्स, स्टोरी को सुनते हुए कैरेक्टर्स को सुनो और एक कैरेक्टर चार्ट बनाओ, उसको दिमाग में फिट करो। ये काम आप कर सकते हो, गारंटी ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, सबके सब आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू गाइस नीड टू डू। तो आपने कहा मैंने इनको पढ़ा, पढ़ तो मैंने कैरेक्टर्स को पढ़ा, उनका कैरेक्टर चार्ट बनाया, नाम भी क्लियर कि सर हाँ ये मुझे आता है। अब चॉइस आपकी, सीरियसली चॉइस आपकी, बाकी दिन के लिए मैंने 6 में से 3 तो बोले ये करने का नहीं, अब बाकी दिन में एलकेम सर सर देव होता वेस्टर्न वाला सर बैक में नहीं आ सकता, मटन कैथर डाल सकता, बैक नहीं आ सकता, 84 गॉड डाल सकता। अब मेरे से अगर कोई पूछे कि सबसे इजी कौन से, तो भैया जो सबसे इजी दो है वो ये, दीज टू आर द मोस्ट, मोस्ट नहीं सबसे ज्यादा यार इजी स्टोरी। सिर्फ एक बार सुनो कॉन्सेप्ट क्लियर, लुक बैक इन एंगल, सी ग्रेड पिक्चर की डी ग्रेड कहानी, लुक बैक इन एंगल। वेटिंग ऑर्डर स्टोरी है ही नहीं सर, सीरियसली दो आदमी वेट कर रहे हैं, बस दो आदमी आते हैं जो उनको एंटरटेन करते हैं, लकी इन पोजो उनकी बात की से एब्सर्ड प्ले कहते हैं, एक्सेंशियल प्ले भी कहते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आता है और पेपर मिलेगा भी 100%। तो इन दो में से कोई भी एक उठा के कर लो। सीरियसली द स्टोरी ऑफ जिमी एंड एलिसन की कहानी है, उसको बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो आप।
यस डिवाइस कैन डू दिस, तो फर्स्ट दीज थ्री एंड देन दीज टू। अब रह गया एक एल्केमिस्ट का मडरेट कैथेटर, मेरी चॉइस मानो तो मडरेट कैथेटर उठा लो। यस मेरी चॉइस मानो मडरेट कैथेटर उठा लो। जिसने पैकमेलिन किया नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्ले बदल वेस्टर्न ने किया बहुत इजी है, सीरीज बहुत इजी है, पेस्टी मोन की कहानी है वेरी इजी, यू कैन डू इट। एल्केमिस्ट कहीं थोड़ा सा इधर उधर पेच होता लेकिन ये बाकी बहुत इजी है। तो चॉइस मैंने पूरी आपको दे दी, ये कहा ये तीन करने करने ये दो सबसे इजी है, बाकी आप चूज करो जो किसको करना है, किसी तरह की कोई भी कहते ना फोर्स या कंपल्शन नहीं है यहाँ पे, चॉइस एंटायरली योर्स। तो पहला हो गया सर हमारा एनोटेशन जो क्वेश्चन आएगा। सर जो सेकंड क्वेश्चन जो पेपर आना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको जो आना चाहिए। तो मैं आपको घुमा के क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं सीधा छह क्वेश्चन दे रहा हूँ, छह सात क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे घुमा के इधर देख लेना, इससे घुमा के उधर देख लेना, एंड याद रखना कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। मैं क्वेश्चन नहीं बता कि क्वेश्चन आना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। मेरे को कई स्टूडेंट बोलते सर लास्ट आवर पे आप आके बैठो, लास्ट आवर में सिर्फ आपकी हेल्प करने गया, क्वेश्चन बताने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन, आप मेरे वीडियोस को देखो, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ इंस्पेक्टर क्वेश्चन, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कल को ये बोला सर आपने यहाँ कुछ और बोल दिया, ये एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल कि पेपर कैसा होगा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्रिटिकली एनालाइज डॉक्टर फोर्सेस रेनेसन ट्रेजेडी। सर डॉक्टर फोर्सेस एज अ रेनेसन ट्रेजेडी तो ये हमें आना चाहिए, यस वी नीड टू नो। सर रेनेसन ट्रेजेडी बोलती मैं एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी कह सकता हूँ, मैंने रेनेसेंस ट्रेजेडी को बोला तो आप इसको क्लियर करेंगे। सेकंड कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें चॉइस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ मैं चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा, वहां पेपर में चॉइस का क्वेश्चन मिलेगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना, और नहीं मिलता तो सर आठ क्वेश्चन मिलते हैं, पांच करने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको है कंपल्सरी एनोटेशन करनी करनी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो ये होगा पैटर्न कि हर क्वेश्चन में चॉइस नहीं मिलेगी, आठ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यू हैव द एट क्वेश्चन, सेवन टू एट क्वेश्चन, जिनमें से कोई पांच करने होंगे फर्स्ट कंपल्सरी होगा, तो रिमेनिंग सिक्स में से कोई चार करने होंगे, तो वो है ना फोर आउट ऑफ सिक्स। यस दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, फोर आउट ऑफ सिक्स वाली स्ट्रेटेजी वहां भी फॉलो होगी जो आपको पता होनी चाहिए, यानी ये कंफर्म है ये हमें आना चाहिए। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा सर डॉक्टर फोर्सेस का क्वेश्चन दे दिया, मैं देखो मैंने पहले तीन बोले उसमें डॉक्टर फोर्सेस आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आना चाहिए दैट इज क्या, रिवेंज इज द सेंट्रल, आई रिपीट रिवेंज इज द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट, डिस्कस रिवेंज इज द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट, डिस्कस यू गाइस नीड टू डिस्कस रिवेंज एज द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट। सर देखो डॉक्टर फोर्सेस हो गया हैमलेट भी हो गया, वो क्वेश्चन मैंने दे दी सीधा, मैं कहा चॉइस इन एंटायरली योर्स रिवेंज, यस हैमलेट की जो बेसिक थीम है ना वो रिवेंज की कहानी वहीं से शुरू हुई, उसी को लेके चल रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी को फ्रेम किया गया, उसी को आगे डिस्कस किया जा रहा है। चलो दो चीजें किए सर, एक्चुअली तीन क्वेश्चन हो गए, दो तीन, फर्स्ट सेकेंड मैंने दिया डॉक्टर पोस्टर से, कल का पेपर चेक कर लेना फिर मुझे बताना सर कहाँ से आया क्या नहीं आया, थर्ड हैमलेट से, फोर्थ तो फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन, सेकेंड डॉक्टर फोर्सेस, थर्ड हैमलेट। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है डिस्कस द थीम ऑफ मैट्रिडम, आई रिपीट डिस्कस द थीम ऑफ मैट्रिडम इन मॉडर्न कैथेड्रल, इन मॉडर्न कैथेड्रल से देखो मैंने मार्क किया हुआ मॉडर्न इन कैथेड्रल, तो क्वेश्चन मैंने बनाया तो डेफिनेटली मैं उसको पूरा पॉइंट आउट करूंगा। मॉडर्न कैथेड्रल में मैट्रिडम जो थीम है मेन उसको डिस्कस करना आपने, यस यू गाइस नीड टू डिस्कस, जो आपको नोट्स में मिल जाता है, नोट्स में सारे आंसर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम बता रहा हूं, तो उसको फॉलो करना आपने का मॉडर्न कैथेड्रल। फर्स्ट फोर क्वेश्चंस, नाउ कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी तो पेपर पैटर्न पढ़े, पेपर पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा कल का। आपने कहा पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द सोशल इंप्लीकेशंस, हरप्रीत व्हाट आर द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ इंग्लिश स्पीच, ये तो लीक से हट के आ गया, एक क्वेश्चन सर जरूर लीक से हट के होगा। सर ये जो मैंने आपको बताया ना ये पिग्मेलियन से था, ये पिग्मेलियन से था, मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, सोशल नॉर्म्स वाला टॉपिक मैंने बताया था जब मैंने लाइव सेशन में आपको एमजी के क्वेश्चन बताए, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज को देखना। कहता व्हाट आर द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ इंग्लिश
स्पीच उसको हाईलाइट करना है। तो आपने कहा सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पिग्मेलियन, तो आई होप यहाँ पे पिग्मेलियन आप लोगों ने किया होगा, जिसने नहीं किया अभी बहुत टाइम है, यू कैन गो एंड डू दिस। चलो यार सिक्स क्वेश्चन सर, पहले पांच क्वेश्चन आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अब सिक्स पे आता है तो हमारे पास काफी सारी चीजें आती है। एंड द सिक्स क्वेश्चन इज कहता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडर्निटी, यस ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजरी, मॉडर्निटी फ्रॉम एलिजाबेथन ट्रेजरी। ये क्वेश्चन घूम फिर के कहीं ना कहीं से एलिजाबेथन ट्रेजरी पे आएगा ही आएगा, पक्का आएगा ही आएगा, तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में। तो आपने बोला सर एलिजाबेथन ट्रेजरी, ये अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम फिर के आएगा ही आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से पता होंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, सीरियस लास्ट क्वेश्चन। आप बोलते सर ये क्वेश्चन होगा शॉर्ट में, अगेन शॉर्ट नोट्स, अब आपने सर शॉर्ट नोट्स तो हमें आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट भी, कोई दो टॉपिक्स चार दिन में आपको चांस है कि नहीं, दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, एनी टू से टॉपिक कौन से होंगे, कहता राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फॉलोइंग। पहला होरेशियो, होरेशियो हुज होरेशियो सर, इट वाज द रियल लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट। विडो क्वीन, हुज द विडो क्वीन सर, दे वाज द बेस्ट वन में विडो क्वीन का करेक्ट है, जिसको क्लियर करना है। थर्ड रेनेसा, रेनेसा पता होना चाहिए सर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, रिफॉर्मेशन को हम रेनेसा भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये पूरा डिफाइन किया गया एलिजन ट्रेच से कनेक्ट हो। सर द नेक्स्ट वन पक, द रोल ऑफ पक फ्रॉम द मिडसमर नाइट ड्रीम, पर ये है एग्जाम्पल और ये है वो टॉपिक्स जिनमें से आपको चूज करने, क्या ये करने की जरूरत, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई कैन फैक्ट ओवर इट दैट इफ यू डू दिस यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। टिल देन कीप वाचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।